सीधे आपको लेकर चलते हैं इसी इफ्तार पार्टी से। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। प्रकाश, इस वक्त क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देख रही हैं कि तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और साथ में रेचल भी बैठी हुई हैं और उस बगल में नीतीश कुमार और अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव कुछ किसी का इंतजार कर रहे हैं जो नीतीश कुमार से जिन्हें मिलाना चाहते हैं। हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले चिराग पासवान से, तो एक बार मैं फिर से चिराग, अभी आप लाइव हैं, आप बताइए, लाइव हैं अभी आप, ये बताइए कि ये जो माहौल बना है अभी, क्या इसका सियासत का भी कुछ मतलब है? क्या आप लोग फिर साथ आने वाले? नहीं भाई, मैंने हमेशा कहा है कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनको सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये बरसों पुराने व्यक्तिगत संबंध है। पहली बार पापा के निधन के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ। पापा के साथ बचपन से आता रहा हूँ, मतलब आपके पास भी मेरी कई पुरानी बचपन की भी तस्वीरें होंगी, जब हम लोग छठ के लिए आते थे यहाँ पे, मैम करती थी, हम लोग आते थे पापा के साथ, मम्मी के साथ। तो पहली बार है पापा के बिना यहाँ पर ऐसे आ रहा हूँ, पुरानी यादें बहुत याद आ रही हैं और एक खूबसूरत पारिवारिक माहौल है। परिवार से संबंध दोनों परिवारों के लंबे समय से और खूबसूरत हमेशा रहे हैं। नीतीश कुमार साहब की मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात हुई सर के, मैंने पहुँच चुके आशीर्वाद लिया, उम्मीद करता हूँ सर ने अच्छा ही आशीर्वाद दिया होगा। आशीर्वाद दिया होगा। देखिए अब तेजस्वी यादव चाय पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार भी अब चाय पी रहे हैं, उनको चाय के लिए रोका गया था। आप देखें कि तेज प्रताप यादव और मीसा भारती ये दोनों लोग हैं, राबड़ी देवी भी यहाँ बैठी हुई है, रेचल भी बैठी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ रेचल से बात करने का और राबड़ी देवी से बात करने का कि कुछ अगर ये लोग बता दें क्या चल रहा है। मीसा भारती भी है। तेजस्वी जी क्या लग रहा है? हलचल है, बहुत हलचल है यहाँ पर, बहुत हलचल है यहाँ पर। आज ही लालू जी को जमानत, ये अच्छी बात है। तो न्यायिक प्रक्रिया है, बेल का अधिकार है, मिला, हम लोग मजबूत थे, आर्ग्यूमेंट रहा। हेलो, महागठबंधन में आ सकते हमेशा, सेकेंड लास्ट जुमा जो है इफ्तार रखते हैं आरजेडी। नीतीश जी आ सकते हैं वापस? नीतीश जी के साथ कोई गठबंधन? इफ्तार में सब लोगों को हम लोगों ने बुलाया, सब लोगों को, और ये परंपरा चलती आ रही है अभी भी। तो बीजेपी के शहनवाज साहब भी आए हुए हैं। क्या आप इस तेजस्वी जी को आपने सुना कि कैसे वो इस पूरे मामले को सियासी रंग से देने से बच रहे हैं? अब आप देखें, अगर नीतीश कुमार को थोड़ा गंभीर नजर आ रहे हैं, उन्होंने चाय पी ली है और अब देखिए तेज प्रताप यादव ने उनसे कुछ कहा है कान में। ये वही तेज प्रताप यादव हैं जिन्होंने पहले नो एंट्री का बोर्ड लगाया था, उसके बाद फिर एंट्री लगाया, एंट्री चाचा, और देखिए एंट्री चाचा कितना रंग लाया कि एक बार फिर से नीतीश कुमार 5 साल बाद देखिए अब चलने के लिए बोल रहे हैं, अब सब लोग खड़े हो रहे हैं। राबड़ी देवी कुछ कह रही हैं कि चाय पी ली आपने, देखिए अब ये कार्यक्रम है, निकलने की तैयारी हो रही है। रेचल, रेचल से मुलाकात, देखिए रेचल को ले जा रहे हैं तेजस्वी यादव मिलाने के लिए, राबड़ी देवी भी जा रही हैं, आप देखिए पैर उनसे मुलाकात के लिए। ये पहली मुलाकात है जिसमें कि रेचल और तेजस्वी यादव साथ में दिख रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ में। ये तस्वीर जबरदस्त तस्वीर है, शादी में तेजस्वी यादव ने किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन ये पहला मौका है जिसमें कि रेचल भी मौजूद है। रेचल को लेकर के कई सवाल भी खड़े होते रहते हैं बीच बीच में कि क्या वो राजनीति में आएंगे। देखिए पैर छू रही हैं, रेचल आशीर्वाद ले रही हैं, राबड़ी देवी को झुककर प्रणाम किया नीतीश कुमार ने, और फिर अब वो यहां से रवाना हो रहे हैं। हालांकि वो पैदल आए थे, तो क्या अब जाएंगे? देखिए रेचल इधर ही आ रही हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। देखिए बैठे रेचल जी, देखिए तेज प्रताप से कुछ बात कर रहे हैं। प्रताप जी, तेज प्रताप जी, पूछना ये है कि आज नीतीश कुमार 5 साल बाद आपके घर आए हैं इफ्तार पार्टी के मौके पर, क्या आपको लगता है कि सियासत में जिस तरह से इफ्तार में आप लोग साथ बैठे हैं, फिर एक साथ सरकार में आएंगे? नहीं, क्योंकि आज इफ्तार का इनविटेशन था और सभी दल को गया था, उसमें मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग के तरफ से गया था यहाँ से इनविटेशन। बाकी आप देख रहे हैं कांग्रेस के भी हैं, चिराग भी आए हैं, सीपीआई सीपीएम के हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के भी कुछ लीडर्स आए हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी भी आए, उनका बहुत बहुत स्वागत कि उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। और
अच्छा लगा क्योंकि आज काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे सब लोग मिल भी पाएंगे, रूबरू हूँ। राजनीति के बारे में अभी बहुत जल्दी होगा कोई अटकल लगाना या कयास लगाना। आपको लगता है चाचा भतीजा, चाचा भतीजी के जो रिश्ते खटे हुए थे वो उनसे? नहीं नहीं, खटे की बात नहीं है। देखिए, पारिवारिक संबंध हमारा शुरू से रहा है, पापा के समय से रहा है, उसको आगे हम लोग भी कोशिश करते हैं। अब पारिवारिक संबंध एक जगह है और राजनीतिक जो जो लड़ाई है वो अपने जगह एक जगह है। पारिवारिक दोस्ती जैसे वैसी राजनीतिक लड़ाई भी बदल सकती है, राजनीतिक दोस्ती में। मेरी तो क्योंकि भतीजे के नाते मेरी कोशिश होगी कि सभी से, जितने लोग हमारे मतलब उस समय, मतलब मुझे होश है, जितने लोग चाहे शरद अंकल हो, चाहे रामविलास जी खैर अब नहीं रहे, उनका बेटा भी चिराग है, जितने लोगों से संबंध रहा, मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारा जो पारिवारिक संबंध है इसी तरह अच्छे से निपटा रहे, राजनीतिक संबंध भी बने। ये आगे अब राजनीतिक में देखिए, राजनीतिक में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है, आपने भी देखा है, मैं भी जब से देख रही हूँ राजनीति तब से कयास लगाना थोड़ा असंभव होता है कब क्या हो। नीतीश कुमार के आने का क्या संकेत आप देख रही है, क्योंकि वो 5 साल बाद आ रहे हैं, इसके पहले भी इफ्तार पार्टी हुए लेकिन ना आप लोग कभी नहीं गए लेकिन वो आए। नहीं, इन्विटेशन तो हमेशा से जाता रहा। अब ये सवाल तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए आप कि उन्होंने इस साल क्यों एक्सेप्ट किया हमारा इन्विटेशन। मीसा भारती को आपने सुना, रोमाना आपको हमने बात कराया एबीपी न्यूज पर तेजस्वी यादव से, चिराग पासवान से और मीसा भारती से, आपने तीनों की बातें सुनी। मीसा भारती ने साफ साफ कहा कि राजनीति में कब क्या होगा किसी को नहीं पता है, ये जो पारिवारिक संबंध है इसके क्या मायने होंगे इस बारे में अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर नीतीश कुमार कोई संकेत देना चाहते हैं तो बेहतर वही बता सकते हैं कि आखिर इसके पीछे वो क्या कहना चाहते थे और क्या उनका मकसद कामयाब हुआ। रोमाना, यही सवाल है दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आज के दिन नेताओं से बात की, उनमें से कोई भी राजनीतिक लिहाज से कोई टिप्पणी भले ही ना कर रहा हो परिवार की तरफ से, लेकिन कुल मिलाकर इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो जो सियासी बर्फ जमी हुई थी जेडीयू और आरजेडी के बीच वो पिघलती हुई यहां से जरूर नजर आ रही है, और इसीलिए 2024 तैयारी शुरू, बिहार बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, ये हम कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, सबसे पहले बिहार की ये सियासी हलचल हमने आप तक पहुंचाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।